हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई जो फेज टू में टॉपिक्स होंगे जीडी से रिलेटेड, वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक के मैंने वीडियोज़ पहले भी आपको दिए थे, लेकिन उस तक आप विजिट नहीं कर पा रहे हो। सकता है उसकी रैंकिंग गिर चुकी हो अब तक, क्योंकि वो पहले की अपलोड हो सके, या फिर आप वीडियोज़ में जाके देखते नहीं हो, यही ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको 2018 के लिए आपको लेटेस्ट टॉपिक बताता हूँ, जो कि फिलहाल एसएसबी में मतलब ग्रुप डिस्कशन में आते हैं, वही एसएसबी है आपका एक तरह से। और रही गाइस फेज टू के एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस के लिए प्रोवाइड कर रखी है, तो मैं आपको उसके प्लेलिस्ट की पूरी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अगर कर लेते हो फेज टू के लिए एडेप्टेबिलिटी के लिए, तो वहाँ उसके बाद आई होप कि आपको फिर अलग से कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं होगी, उतनी क्वेश्चन काफ़ी होती है। ठीक है, 6-7 वीडियो मैंने उसके लिए बनाई है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, और गाइस उसमें रीजनिंग और क्वेश्चन एसआरटी दोनों आते हैं, तो उसकी दोनों के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया उसमें। तो चलती है चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उन लोग तो और सब्सक्राइब करना जिनका रिजल्ट इस बार नहीं हुआ है, अगर वो वीडियो उसको देख रहे हैं तब, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि इस वीडियो में कुछ आपको स्पेशल स्टार्ट होगा। अब देखिए, ऑनलाइन स्टडी विथ ए टू जेड स्टडी मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है महासंग्राम। ठीक है, जो कि न्यू बैच ये है, और ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। एक वीडियो मैंने इसका अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो फर्स्ट आने वाला है उसका, और रेलवे का भी, सभी से रिलेटेड जो आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा इस बैच में ऑनलाइन ही। और इसमें क्या सबसे खासियत क्या है इसकी, डेली टेस्ट भी होगा, हर एक वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज होगा, और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होगी बिल्कुल भी ऑफिशियली तरीके से, और इसकी पीडीएफ प्रोवाइड होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर अब। हाँ, तो फ्रेंड्स आ गए हैं इस वीडियो के टॉपिक पर, जो इंपॉर्टेंट है आपको किसके लिए, तो जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो देखिए, इसे 8 घंटा पहले ही मैंने प्रिपेयर कर लिया था, बट अभी इस वीडियो को आपको रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे कि फॉलिंग वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़ इन कंटेस्ट टू डॉलर। देखिए, अब इंडियन रुपीज़ जो है डॉलर के अपेक्षा गिरती जा रही है। गैस, मैं बोलूँ कि जब मैंने आपको फरवरी में स्टार्ट किया था यूट्यूब, तब की बात करूँ तो लगभग 67 रुपये समथिंग पैसे थे एक डॉलर के इक्वल टू। ठीक है, फिलहाल लेकिन आपको 73 रुपये कुछ पैसे हो गए, तो देख रहे हो कि यही 7-8 महीने में लगभग कितना डॉलर जो है तेज़ी से उसका जो वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है इंडियन रुपीज़ की अपेक्षा। तो आखिर क्यों हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सभी जो है हमें पढ़ लेना होगा। ये टॉपिक एक हो सकता है आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, उसके ऊपर जो है जीडी करनी होगी आपको। तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ लेना, फॉलिंग वैल्यू मतलब जो उसकी वैल्यू है रुपीज़ की, आखिर डॉलर की अपेक्षा क्यों गिर रही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन मेरिट सैंडी मेरिट, जो बढ़ती पॉपुलेशन है किसी देश की, अपनी देश की, लोग इतनी इंक्रीज़ कर रही है, उनकी मेरिट क्या है और डिमेरिट दोनों पे आपको बात करने होंगे। ठीक है, और जीडी की खास बात ये होती है कि हमें जैसे सिक्के की दो पहलू होती है, उसी के लिए जीडी के लिए किसी टॉपिक के लिए दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव भी रहती है और निगेटिव रहती है। ठीक है, तो हमें किसी भी टॉपिक ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तर्क वहाँ पर देना ज़रूरी होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम मतलब वही जो आपको आरक्षण है एससी एसटी ओबीसी वगैरह जो जनरल कैटेगरी हम लोग करते हैं और सब जॉब में या हर एक जगह पे अदर सिस्टम मतलब बहुत सारे सेक्टर में है रिजर्वेशन, तो वैसे क्या हमारा सिस्टम जो है इसका इम्पैक्ट क्या, प्रभाव क्या हमारे देश में, या फिर ये क्या है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको बताना होगा वहाँ पर। फिर देखो मोबाइल फ़ोन्स, ये इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर पढ़ लेना। तो आई होप कि वो मोबाइल फ़ोन, इंडियन डेमोक्रेसी, इस पर आपको ज़्यादा थोड़ा ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि ये सब लगभग आप जानते होंगे। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन फॉलिंग जो यहाँ पे आपको पढ़ रहे हो, इंडियन रुपीज़ इन कंटेक्स्ट टू डॉलर, जो ये सब पढ़ लेना आपको। अब इंडो चाइना जो है रिलेशनशिप पढ़ लेना, तो फिलहाल डोकलाम विवाद के ऊपर हुआ था इंडो चाइना, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और मैंने पहले वीडियो में भी इसे बोला था आपको पढ़ने के लिए। अब इसरो वर्सेस नासा, अब इसरो और नासा के बारे में पढ़ लेना कि ये दोनों में तुलना में क्या थोड़ा सा कम या ज़्यादा, नासा मतलब नासा किस तरीके से आगे है, या फिर इसरो किस तरीके से पीछे है, या फिर इसरो कैसे आगे है नासा से, किस चीज़ में आगे पीछे है, जो भी है इन दोनों को वर्सेस में लिखाई हूँ, तो आप पढ़ लेना इसके ऊपर, ये जो इसरो और नासा के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में किस चीज़ की कमियाँ हैं और किस तरीके से एक साथ काम करें तो क्या होगा, किस तरीके से ग्रोथ होगा देश का, इस पर आप ज़रा फोकस करना। अब देखो इंटरनल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान की जो यहाँ पे सिस्टम देख रहे हो आप लोग, सिचुएशन जो है पाकिस्तान की, तो अभी न्यू गवर्नमेंट आने से पहले ही तो पूरी वहाँ की सिचुएशन ख़राब थी, फिलहाल जो है उभर के आ चुकी है पाकिस्तान की जो सिचुएशन, थोड़ी कंडीशन जो है क्रिटिकल हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी आपको पढ़ लेना होगा। ठीक है, इकोनॉमी के पढ़ना कि किसी भी कहीं का भी इकोनॉमी या फिर किसी कंट्री का इकोनॉमी के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ये क्या होता है। ठीक है, और कैसे इसको बैलेंस करते हैं इकोनॉमी को। अब देखिए ट्रेनिंग इन आर्म फोर्सेस, ठीक है, अब आर्म फोर्सेस में जो ट्रेनिंग होती है जैसे कि नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, इन सभी की ट्रेनिंग से रिलेटेड आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप लोग।
अब हमारे देश की जो मुख्य जो है इशू रहेगी डॉरी सिस्टम, ठीक है। ये जो है डॉरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा पे आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल श्रम जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो बच्चों को जो जो हम लोग लेबर कराते हैं तो वो सही है या गलत है, या किस तरीके से सही है किस तरीके से गलत है, वो सब पढ़ना। फिर से वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो महिला सशक्तिकरण है इसके ऊपर पढ़ना, ये जो है काफ़ी जगह आते हैं। ये फिलहाल 2018 के लिए मैंने ये सारे लिस्ट को आपको प्रिपेयर किया, लेटेस्ट है, आप किसी भी वेबसाइट पे ओपन कर लो, इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज इन इंडिया, अब इंडिया जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो उभर कर आ रहा है वो किस तरीके से उसका जो सही रूप से काम चल रहा है या फिर गलत तरीके से काम चल रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी जो आपने डेवलप कर रहा है इंडिया वो सच में डेवलप कर रहा है, या फिर ऐसी मेक इन इंडिया के थ्रू हम लोग बहुत सारे काम आगे बढ़े हैं तो क्या उसका हमें देश को फ़ायदा हुआ है, GDP पे क्या फ़ायदा, वो सभी चीज़ आपको पढ़ना होगा इसमें। या फिर हमारे लिए काम लायक है या फिर इसका इम्पैक्ट क्या, वो पढ़ लेना क्लियरली। अब न्यूक्लियर पावर, कोई भी देश जो है, कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर पावर से अपना सशक्ति क्या हो रहा है कि अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो ये देखिए न्यूक्लियर पावर एक जगह से अच्छा भी है और एक तरीके से ख़राब भी है, ठीक है। तो कैसे अच्छा है, देखिए डिफेंस के लिए अच्छा है, कहने के लिए हमारे सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर पावर अच्छा है, लेकिन इसके बहुत सारे जो है इम्पैक्ट है, बहुत सारी जो है आपको इफेक्ट हैं हमारे ऊपर पड़ सकते हैं, अगर किसी जैसे कि जापान के बारे में जानते हो आप, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर की वजह से ये सभी मतलब दोनों आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों पढ़ना होगा न्यूक्लियर पावर की वजह से किसी भी टॉपिक पर। अब देखो रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन, अब यूनाइटेड नेशन में इंडिया का रोल क्या है, जैसे UNO में जो है इंडिया का रोल क्या है वो पढ़ लेना। अब देखो डिवीज़न ऑफ स्टेट्स, अब जैसे किसी भी कंट्री आप मान लो कि इंडिया की हम ले लें, ठीक है, तो मान लो कि इंडिया की हम बात करें तो देखो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं आप एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे भी तेलंगाना है या फिर जैसे भी बहुत सारे देश स्टेट्स जानते हो कि वो डिवाइड होता है, चाहे वो किसी भी देश की बात करें, तो ये क्या है आखिर क्यों होता है, फिर आखिर डिवीज़न ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स को किस आधार पर अलग किया जाता है, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो इन सभी की नॉलेज आप लोग थोड़ा बहुत ले लेना, ठीक है। अब देखियो साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है और ये हमारे देश में तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आखिर किस बेसिस पे बढ़ रहा है, साइबर क्राइम होता है क्या, इसे आप देख लेना आप लोग इसके बारे में, इसे रोका कैसे जाए, ये साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, या फिर इसे नहीं रोका गया तो ये इसके और भी क्या हो सकते हैं प्रभाव हमारे ऊपर, वो देख लेना, ठीक है। अब देखिए मोदी जी की जितनी भी मैं बोलूँगा कि अभियान है थोड़ी बहुत पढ़ लेना, टाइम तो कम है लेकिन आपको जो जो अच्छा लग रहा है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स को देख लेना, लेकिन आपको जो लगता है आपके लिए अभी इजी है, ठीक है, कम टाइम में तो ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको जो इजी लगता है टॉपिक इसमें से वो जरूर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैं बोलूँगा मोदी जी की जो अभियान है 2018 की नहीं 2017, 2018, 2015 जो भी है आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे काफ़ी होगा, क्योंकि उस टाइम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, अब उसी के ऊपर आपको ग्रुप डिस्कशन होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो पहले से अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप के पास टॉपिक रहेंगे, मतलब सेंटेंस रहेंगे बनाने के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है, वही एक फ़ायदा होता है पहले से पढ़ा हुआ रहेगा तो। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ठीक है, तो इसके ऊपर पढ़ लेना कि ये हमारे देश में कैसे इंक्रीज़ हो रही है, तो ये जो है पॉपुलेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ने के लिए मिलेगा, तो दोनों को कंबाइन करके अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज GDP रेट, अब अपने GDP के जो रेट है हमारे देश का वो बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, किसी भी देश का बढ़ता है घटता है, फिलहाल तो पाकिस्तान का बहुत ख़राब चल रहा है, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, GDP है क्या, वो इकोनॉमी का थोड़ा एक टॉपिक है तो उसे आप लोग पढ़ सकते हो। अब हिंदी में भी पढ़ लेना, हो सकता है आप हिंदी से लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हो, तो आप हिंदी आपके पास इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में पहले कोशिश करना, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं मतलब जैसे कि स्पोकन जानती है लेकिन वो ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तो हिंदी में अच्छा वर्क पढ़ लेना, बाद में से ट्रांसलेट कर लेना आप लोग अपने लैंग्वेज में कर सकते हो थोड़ी बहुत। अब देखो एग्रीकल्चर इन इंडिया, अब देखिए जो एग्रीकल्चर है हमारे इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, राइट हैंड एक तरह से कहो तो, हमारे GDP में काफ़ी उसका सहयोग रहता है एग्रीकल्चर का, तो इस पर थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि हमें किसानों को किस तरीके से हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ न्याय हो रहा है या फिर अन्याय हो रहा है, ये सभी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर के ऊपर पढ़ने के लिए मिलेगा। अब इंडो रशियन रिलेशनशिप, अब देखिए इंडो रशियन रिलेशनशिप जो अभी 400 खरीदा गया है जो मिसाइल है एक, तो ये सभी चीज़ें जो है इंडो रशियन रिलेशनशिप पे आप ये सब बोल सकते हो, ये सब लेटेस्ट न्यूज़ है, तो ये मिसाइल क्या क्या कर सकती है, सब चीज़ आप उस टॉपिक में यूज ला सकते हो, और इंडो रशियन जो है रिलेशनशिप के बारे में टॉपिक आ गया तो ये आ भी सकता है, क्योंकि लेटेस्ट का बहुत ज़्यादा ये जो अभी छाया हुआ है इंडो रशियन रिलेशनशिप, तो अभी काफ़ी हद तक आगे जा रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि फिलहाल इंडिया जो है विश्व का दूसरा देश होने वाला है ये जो है ये मिसाइल 400 खरीदने वाला, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, अभी सोशल मीडिया जो स्टूडेंट के लाइफ पे या फिर किसी भी बिजनेसमैन वगैरह वगैरह
उसकी लाइफ को कैसे इफेक्टिव बनाता है, मतलब उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे देखो कुछ लोग हैं सोशल मीडिया का भी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग मिस यूज कर रहे हैं, जैसे अभी आप इसे कुछ सीख रहे हो तो यूज कर रहे हो, इसके अलावा पूरी दिन सॉन्ग मूवी वगैरह देखते हो पढ़ाई लिखाई छोड़ के, तो क्या हुआ, मिस यूज हुआ आपका। तो इस तरीके सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है वो हमारे ऊपर कैसे इफेक्टिव है। अब कश्मीर एक मुद्दा है जो वहाँ का जो है टेररिज्म से रिलेटेड है, इस पर पढ़ना, या फिर जो भी आपको कश्मीर के ऊपर मिलता है थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब बिगर स्टेट्स वर्सेज स्मॉलर स्टेट, तो ये तो आपका एक क्या हुआ कंपैरिजन हुआ। अब ये मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ये स्टेट के ऊपर पढ़ना, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब ये सारी जो आ गए मैं बोल रहा हूँ कि इसी टॉपिक के अंदर हो गया, बस आपको लैंग्वेज बनाना सीख लेना, ठीक है। मतलब किसी चीज़ की तुलना करना वहाँ पे, तो आप मान लो कोई आपको निगेटिव आप ज़्यादा सोचते हो तो सिर्फ निगेटिव सोच के मत देना, हर एक चीज़ सोचना कि हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साथ में लेके जाने हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, मैंने फेस टू के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है। अब देखिए करप्शन इन पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिशियन जो है करप्ट होते हैं, कुछ होते हैं, सभी धुले हुए नहीं थे, ठीक है। तो करप्शन इन पॉलिटिक्स ये तो क्लियर बोलना बेकार है, तो आप समझना करप्शन इन पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ लेना। मेक इन इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सी चीज़ें हुई हैं, अब जैसे कि शाओमी वगैरह मोबाइल आई है तो मेक इन इंडिया के तहत ही आई है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है मेक इन इंडिया के तहत आई है। तो ये जो थी पूरी लिस्ट थी मैंने आपको जो डीडी की इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको लगभग बता दी इसमें, तो आई होप कि ये पढ़ लोगे, जो मैं ये बोलूँ सारी पढ़ लेना आप लोग, इसमें से जो आपको दो या तीन टॉपिक ही अच्छे लगते हैं, इजी लगते हैं, लगता है कि मेरे को अच्छे समझ में आएंगे, हिंदी में पढ़ लेना, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में पढ़ेंगे। जो लोग इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में पढ़ेंगे ही, लेकिन जो हिंदी मीडियम से वो एक बार हिंदी में जरूर पढ़ना, ताकि अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट वहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि हो सके आपके काम लाइक ना हो, आपके फ्रेंड्स के काम लाइक हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।